अभी हमने पढ़ा ब्रेंकियोस्ट्रोमा के सारे स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया, हर्डमानिया के सारे स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया, बट आपके कोर्स में डेवलपमेंट या परिवर्तन नहीं, तो हम डेवलपमेंट को एक्सक्लूड करेंगे, डेवलपमेंट को स्टडी नहीं करेंगे कि कैसे जाइगोट बना, कैसे उससे लार्वा उत्पन्न हुआ, ठीक है, उस बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे। अब कई बार क्वेश्चन आता है क्योंकि सिलेबस में कंटेंट इस पेज पर दे रखा है कि कंपैरिजन करो हर्डमानिया और ब्रेंकियोस्ट्रोमा, तो हमने ये अलग अलग तो डिटेल में पढ़ लिया, अब हम इजीली उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर हम डिटेल में नहीं पढ़ते तो हमारे लिए कंपैरिजन मुश्किल हो जाता क्योंकि हमें दोनों ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता ही नहीं था। तो हमने पहले उनके स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा है और फिर कंपैरिजन पर आते हैं, ठीक है, तो उससे इजी हो जाएगा हमारे लिए कंपैरिजन। अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन ही आए, कई बार डायरेक्ट हर्डमानिया का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताइए, नर्वस सिस्टम बताइए, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें पढ़ना पूरा डिटेल में ही है चीजों को और फिर अगर कंपैरिजन आता है तो उसको हम इजीली वहां पर अटेम्प्ट कर पाते, राइट। अब हम देख लेते हैं इन दोनों के बीच का कंपैरिजन। ये है हर्डमानिया हमारा, यहां पर है हमारा ब्रेंकियोस्टोम या फिर एम्फीबॉक्सिस। ऑलराइट, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें हैबिट इनहैबिटेट। हैबिट इनहैबिटेट के हिसाब से हम इसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मली हम बात करते हैं कि हर्डमानिया में पॉइंट वाइज करेंगे हैबिट एंड हैबिटेट, राइट। ये वाले जो जंतु होते हैं ये डायर्नल होते हैं, दिन में बाहर की तरफ घूमते हैं। वही हम ब्रेंकियोस्टोमा की बात करते हैं तो ये जंतु नॉक्टर्नल होते हैं, दैट मींस ये रात को बाहर की तरफ निकलते हैं और तैरते हैं, ठीक। ये जंतु नॉर्मली अगर बात करें तो कैसे पानी में रहते हैं, समुद्री जीव होते हैं, मैराइन होते हैं, ठीक है। उनकी बात करेंगे तो ये भी समुद्री जीव ही होते हैं, मैराइन ही होते हैं, राइट। थर्डली अगर हम इनकी बात करें तो ये जंतु कहाँ रहते हैं, छिछले वाटर मींस शैलो वाटर्स में रहते हैं, जहां छिछला पानी हो कम पानी, और ये वाले जंतु भी शैलो वाटर्स में ही रहते हैं, राइट। जहां पर कम पानी हो उस अवस्था में ये यहां पर प्रेजेंट रहते हैं। सेकेंडली अगर हम इनकी बात करें तो इनके अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो अटैच रहते हैं किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, तो वो सबस्ट्रेटम जो होता है जिसे हम ले सकते हैं अटैच टू सबस्ट्रेटम, किसी आधार से वो चिपके रहते हैं और वो आधार जो होता है वो हम अभी देखते हैं। इसमें किसी सबस्ट्रेटम से किसी आधार से कोई अटैचमेंट नहीं होता, ठीक है, वो किसी आधार से चिपके हुए नहीं रहते, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें तो ये किस आधार से चिपके रहते हैं, सैंडी या फिर रॉकी, ऑफ कोर्स सी बात है सैंड में तो चिपक नहीं सकते, तो ये रॉकी सब्सटेंसेस पर चिपके रहते हैं, तो रॉकी बॉटम्स पर पाए जाते हैं। और उनको अगर हम देखें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, सैंडी बॉटम्स, ठीक है, सैंड में रेत में पाए जाते हैं। ये बिलकारी नहीं होते, बरों में नहीं रहते, ठीक है, बरो इज एब्सेंट, बरो यहां पर बिल जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं और उनमें ये नहीं रहते। वहीं हम ब्रेंकियोस्टोमा की अगर बात करते हैं तो ये बरों में रहते हैं, बिलकारी होते हैं, तो बरो लिविंग ऑर्गेनिज्म,
बात करते हैं तो इनमें टेस्ट जो है वो प्रेजेंट रहती है। बाहरी आवरण जो हमने बोला था वो इनमें यहाँ पर हर्ड मानिया में उपस्थित रहता है, वहीं उनके अंदर टेस्ट का अभाव रहता है। दैट मींस टेस्ट जो है यहाँ पर इनमें एब्सेंट रहती है, बिल्कुल भी उपस्थित नहीं है। ठीक है, इसी के साथ इनकी टेस्ट में क्या होता है, स्पिक्यूल्स कंटिकाएं उपस्थित रहती हैं और इसी के साथ कुछ कॉर्पसल्स कणिकाएं भी उपस्थित रहती हैं। कंकाल नुमा स्ट्रक्चर जो है, स्पिक्यूल्स जो है, कंटिकाएं जो है, ये यहाँ पर अनुपस्थित रहे तो हम बोलेंगे स्पिक्यूल्स और कॉर्पसल्स जो है ऐसी संरचनाएं यहाँ पर अनुपस्थित रहती है। राइट, ऑलराइट, ये हम पता चल रहे हैं किस तरह से इनका हम देख रहे हैं संरचना कैसे है, क्या प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है। एक बार फिर से देख लेते हैं, डायर्नल है, डे लिविंग, नाइट लिविंग, नाइट में बाहर निकलेंगे, मैन आई, शैलो वाटर में रहते हैं, शैलो वाटर में रहते हैं, अटैच टू सबस्ट्रेटम, किसी सतह से अटैच होते हैं वो नहीं होते, रॉकी बॉटम्स पे अटैच रहते हैं वो सैंडी बॉटम्स में रहते हैं, बरो एब्सेंट होती है, बरो में नहीं रहते, बिलकारी नहीं होते, ये बिलकारी होते हैं बरो में ही रहते हैं और सैंड के नीचे बरो बनाते हैं। इनमें टेस्ट प्रेजेंट रहती है, उनमें टेस्ट एब्सेंट होती है, बाहर वाली सतह जो होती है। स्पिक्यूल्स एंड कॉर्पसल्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट के अंदर ही उपस्थित होते हैं और स्पिक्यूल्स कंटिकाएं और कणिकाएं ये दोनों ही अनुपस्थित यहाँ पर रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मली हम अगर बात करेंगे यहाँ पर तो हम यहाँ पर हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें, राइट? तो नाइन्थ पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि ये बिल में नहीं रहते तो हमें इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी दिखी है, बैड लाइक, ठीक है, बैड लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक थैले नुमा आकृति है, ठीक है, पर्स लाइक बोल सकते हैं, वहीं इनकी आकृति कैसी है, फिश की तरह है, फिश लाइक स्ट्रक्चर इनमें उपस्थित यहाँ पर रहता है। ऑलराइट, इनमें हम देखेंगे हर्डमानिया में हमने ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पर दो प्रकार के ऊपर की तरफ साइफन्स प्रेजेंट रहते हैं, तो साइफन जो आकृति थी वो यहाँ पर उपस्थित थी पर वहां पर इस प्रकार की कोई आकृति उपस्थित नहीं। राइट, ये चीज हमने ऑब्जर्व की। इसी के साथ हम इनकी अगर बात करते हैं तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स कैसे होते थे, सॉलिटरी होते हैं, ठीक है, अकेले रहते हैं, और ये वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये भी एक प्रकार से सॉलिटरी ही होते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट होते हैं कि इनके अंदर दोनों प्रकार की जो लिंग है वो एक में ही उपस्थित रहते हैं। ये वाले ऑर्गेनिजम्स हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, यूनिसेक्सुअल होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सेकेंडली अगर हम आगे की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन टाइप के हैं कि सब जगह पाए जाते हैं, वहीं उनकी बात करेंगे तो समुद्र में ये भी कॉस्मोपॉलिटन की तरह ही होते हैं और सब जगह पर ये भी उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इनकी भी संरचना हर जगह पर पाई जाती है। जब हम इनकी बात करते हैं तो इनका
इनका हमें ऑलमोस्ट पूरा स्ट्रक्चर विजिबल रहना। ठीक है, होल स्ट्रक्चर इज विजिबल, क्योंकि ये बिल में नहीं रहते, पूरी संरचना हमें दिखती है। ठीक है, वही उनकी बात करते हैं तो उनमें हमें पूरी संरचना नहीं दिखती, क्योंकि ये बिलकारी होते हैं, तो सिर्फ माउथ पार्ट जो है, माउथ भाग जो है, वो भाग वो ही ऊपर की तरफ देखता है। राइट, सिर्फ माउथ पार्ट ही विजिबल होता है जब वे बिल में रहते हैं उस टाइम। ठीक है, इनका हम बोल सकते हैं ट्राइंगुलर स्क्वायर जैसी आकृति है, उनकी बिल्कुल रॉड नुमा आकृति है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड होते हैं बॉडी एंड फुट। ठीक है, बॉडी और फुट में इन ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड किया है, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स डिवाइड होते हैं बॉडी, बॉडी भी प्रेजेंट होती है, माउथ भी उपस्थित रहता है। ठीक है, और इनमें फुट रीजन नहीं होता, गॉर्डन भाग उपस्थित रहता है। ठीक है, लास्ट वाला पोर्शन जिसे हम बोलते हैं गॉर्डन भाग। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं इनके हैबिटेट, हैबिटेट्स की किस तरह से यहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे इनके आसपास के एनवायरमेंट है, किससे अटैच रहते हैं। तो इस तरह के इनके हैबिटेट हैबिटेट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं, हर्ड मांग यहाँ बैट लाइक है, ये फिश नुमा आकृति के मछली जैसे। ठीक है, साइफन लाइक स्ट्रक्चर संरचना जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, उपस्थित है वहां पर अनुपस्थित। सॉलिटरी एकल जीव, एकल जीव, हर्मोफ्रोडाइट, यूनिसेक्सुअल, दोनों लिंग जो होंगे एक में ही उपस्थित होंगे, वो अलग अलग होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, सर्वव्यापी है, पूरा स्ट्रक्चर विजिबल रहता है, वहां पर माउथ पार्ट ही विजिबल रहता है क्योंकि वो बिल में रहेंगे। बॉडी एंड फुट, बॉडी माउथ एंड कॉर्डल पहाड़ जो होता है वो होता है। इनमें फिन्स, फिन अरे, फिन रे बॉक्सेस अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। वहीं वहां उनकी बात करते हैं तो इनमें फिन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, डॉर्सल फिन्स, वेंट्रल फिन्स, कॉर्डल फिन्स, और इसी के साथ क्या बोल सकते हैं हम, फिन रे बॉक्सेस भी उपस्थित रहते हैं, फिन रे अरे भी उपस्थित रहते हैं, तो स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। राइट, ठीक है, इनमें एक चीज हमें इंटरेस्टिंग जो देखने को मिलती है गर्भमानिया में, वो हम रोटेशन या घूर्णन यहाँ ऑब्जर्व करते हैं इस प्रेजेंट। ठीक है, रोटेशन के कारण ही वो क्या होते हैं, उनके अंदर चेंज होता है, और उस चेंज के कारण हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड्स अपोजिट साइड दिखाई देती है। राइट, इनमें कोई घूर्णन नहीं है, रोटेशन इज एब्सेंट। जब डेवलपमेंट हो रहा है ऑर्गेनिज्म का, उस टाइम पे घूर्णन होता है। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, एंटीरियर और अग्र और पश्च भाग जो होता है आर इन अपोजिट डायरेक्शन। राइट, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन हो जाता है, इसलिए एंटीरियर दूसरी साइड और पोस्टीरियर दूसरी साइड में देखने को मिलेगा। बट इनमें क्योंकि रोटेशन नहीं होता, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड्स जो होती हैं यहाँ पर हम डॉर्सल एंड वेंट्रल भी कर सकते हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल।
कि वही एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डोर्सल एंड वेंट्रल साइड्स आर इन नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मली जैसे होते हैं वैसे ही यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। ऑलराइट, तो घूर्णन के कारण ये अपोजिट दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं, वहां नॉर्मली रहते हैं। जब भी हम बात करेंगे इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, और इनमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है, ठीक है, क्योंकि वाटर में होते हैं तो एक्सटर्नली ही फर्टिलाइज करते हैं। निषेचन बाह्य है, इसमें लार्वा प्रेजेंट रहता है एंड डेवलपमेंट कैसा हो गया, इनडायरेक्ट। क्योंकि लार्वा उपस्थित है इसलिए डेवलपमेंट इनडायरेक्टली होता है। वही यहां पर भी हम अगर बात करें तो हम बोलते हैं लार्वा इज प्रेजेंट, लार्वा उपस्थित रहता है और डेवलपमेंट जो है, परिवर्तन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप में होता है, इनडायरेक्ट ही होता है, ठीक है। लार्वा इसमें फ्री लिविंग होगा, फ्री स्विमिंग होगा, लार्वा इज फ्री स्विमिंग और लार्वा वहां पे भी फ्री स्विमिंग होगा, लार्वा इज फ्री स्विमिंग। पर जब यहाँ पे हम मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं लार्वा की, तो लार्वा का मेटामॉर्फोसिस रेट्रोग्रेसिव होता है, राइट, रेट्रोग्रेसिव प्रकार का मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। वहां पर प्रोग्रेसिव प्रकार का मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। अब अगर डिफरेंस देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पर सिमिलैरिटी नहीं बता, हम अगर सिमिलैरिटी भी बताते हैं तो वो गलत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को एक्सप्लेन कीजिए, और कई बार खाली डिफरेंसेस भी आएगा तो हमें क्लियर रहता है हमारे माइंड में कि ये सिमिलैरिटीज है, ये डिफरेंसेस है, तो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है अगर हम सिमिलैरिटीज भी बता रहे हैं वहां पर, ठीक है, सारी चीजें कंपेयर हो जाती है। अब यहाँ पर हम नॉर्मली बात करते हैं रोटेशन, हमने बोला कि डेवलपमेंट के टाइम पर प्रेजेंट है, वहां पर रोटेशन घूर्णन बिल्कुल अनुपस्थित है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर और डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड्स जो है, अग्रपृष्ठ और पृष्ठ और अग्र भाग जो है वो एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में उपस्थित रहते हैं। यहाँ हम देखेंगे बाह्य निषेचन होता है, वहां पे भी बाह्य निषेचन, लार्वा उपस्थित रहता है लेकिन डेवलपमेंट अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है, वही यहाँ पर भी लार्वा भी प्रेजेंट है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट ही है। लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, वहां लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, यहाँ पर डेवलपमेंट रेट्रोग्रेसिव टाइप का होता है। रेट्रोग्रेसिव मतलब कि जो लार्वा है उसमें बहुत सारे, मतलब सारे हाईली एडवांस्ड प्रकार का लार्वा है जिसके अंदर सब प्रकार के कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, सारी संरचनाएं उपस्थित है, और जब वो एडल्ट में वयस्क में परिवर्तित हो रहा है तो वहां पर रेट्रोग्रेसिव हो गया, मीन्स जो बहुत ज्यादा जटिल संरचनाएं थी वो सिंपल टाइप में आ गई, उल्टे प्रकार से मेटामॉर्फोसिस हो रहा है कि लार्वा बहुत कॉम्प्लेक्स है, लार्वा बहुत जटिल है और वयस्क बिल्कुल सिंपल और सरल है, इसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। वहीं यहाँ पर प्रोग्रेसिव है, मीन्स लार्वा सिंपल है और फिर एडल्ट जटिल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है, राइट। बात कर लेते हैं कि तो हमने हैबिट एंड हैबिटेट की नॉर्मली जो बात थी वो बात थी, नॉर्मली हम
जैसे चीजों को डिफाइन करने हैं उस तरह से। सेकेंडली हम बात करते हैं इसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम यहां पर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करेंगे कि फूड इनका किस प्रकार से होता है। फूड में ये क्या लेते हैं, डायटम्स, एल्गी, शैवाल और प्रोटोजोअन्स को ये लेते हैं, ठीक है। एज अ फूड हर मात्रा में ये सारी चीजें ली जाती है। वही हम यहां पे बात करते हैं तो यहां पे भी प्रोटोजोअन्स, डायटम्स को लिया जाता है और इसी के साथ डेसिमेंट्स वगैरह भी लिए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं टेलेचिक प्रकार के जीवों को भी लेते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम फूड के बाद आते हैं इनमें, तो हम बात करेंगे फीडिंग मैकेनिज्म की। जो हम देखते हैं यहाँ पर इनके पास सीलियरी फीडिंग है, पक्षमाप के द्वारा ये अंदर की तरफ लेकर जा। वहीं इनमें भी हम सीलियरी फीडिंग ही देखते हैं, ठीक है, सीलियरी फीडिंग ही ऑब्जर्व की जाती है। ऑलराइट, अब सीलियरी फीडिंग यहाँ पर किस प्रकार से ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है, वाटर फ्लो बोल सकते हैं या जल धारा जो है उसके साथ, उसके साथ फूड कंबाइन होकर, भोज्य पदार्थ कंबाइन होकर कहां जाता है, ब्रैंकियल साइफन की तरफ, ठीक है। और उधर क्या होता है, वाटर फ्लो के साथ फूड कंबाइन होकर कहां जाता है, ओरल खुंड की तरफ, मुख छद की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से सीलियर फीडिंग होती है, वाटर जो है जलधारा के साथ फूड कंबाइन होकर ही आता है। अब हम दिमाग की इनका फूड ये है, भोज्य पदार्थ ये देते हैं, फीडिंग किस प्रकार की है, सीलियरी प्रकार की है, पक्षमापों की सहायता से अंदर फूड ले रहे हैं, वाटर फ्लो किस तरह से है, फूड कैसे आ रहा है। अब हम फोर्थ पार्ट में इसके माउथ की बात कर लें, इनका मुख किस प्रकार से है। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख की बात करते हैं तो मुख में आता है क्या आएगा, मुख इंटीरियर साइड में नॉर्मल पोजीशन पर है, ठीक है, राइट। इनका मुख इंटीरियर साइड में अग्रभाग में, ठीक है, थोड़ा नीचे की तरफ है, दैट मींस वेंट्रल पोजीशन। अब हम यहाँ क्या देखते हैं मुख में, कि ये मुख जो होता है ये कहाँ खुलता है, ब्रैंकियल साइफन जैसी संरचना यहाँ उपस्थित रहती है, राइट। वहां पर ऐसी कोई संरचना उपस्थित नहीं है, ब्रैंकियल साइफन उपस्थित ही नहीं है, राइट। और ब्रैंकियल साइफन इज एब्सेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनमें हम बोल रहे हैं ब्रैंकियल साइफन के ऊपर की तरफ ब्रैंकियल
कोर या ब्रैंकियल छिद्र अपर्चर द्वारा मुख खुलता है. ब्रैंकियल अपर्चर इज प्रेजेंट, राइट. वहां अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ब्रैंकियल अपर्चर की जगह पे क्या है, ओरल हुड प्रेजेंट. ओरल हुड उपस्थित रहता है. ओरल हुड इज प्रेजेंट, राइट. कोई ब्रैंकियल छिद्र जैसी संरचना हमें वहां देखने को नहीं मिलती, सिर्फ ओरल हुड उपस्थित रहता है. ठीक है, माउथ की ही बात कर रहे हैं. नेक्स्ट बात करते हैं, हमने बोल दिया ओरल हुड प्रेजेंट है. अब यहां पे टेंटिकल्स आर नॉट प्रेजेंट आउटसाइड. ठीक है, टेंटिकल्स बाहर की तरफ उपस्थित नहीं रहते, पर यहां पर ओरल हुड पर ओरल सिराए उपस्थित रहते. ओरल सिराए या टेंटिकल्स प्रेजेंट आउटसाइड ऑन ओरल हुड, राइट. इस तरह प्रेजेंट होते हैं वो. यहां पर हम देखते हैं कि माउथ इज कवर्ड बाय लिप्स. लिप्स नुमा आकृति द्वारा कवरिंग है, ओष्ठ वहां पर उपस्थित. यहां पर हम क्या देखते हैं कि माउथ इज नॉट, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं लिप्स जैसी संरचना जो है वो एब्सेंट. ठीक है, अनुपस्थित यहां पर रहती है, पर ओष्ठ जैसी संरचना प्रेजेंट नहीं रहती. सिर्फ ओरल हुड के थ्रू मुख अंदर की ओर खुलता है, राइट. नेक्स्ट हम बोलेंगे कि जैसे ही हम अंदर की तरफ आते हैं साइफन की तरफ, तो वहां हम देखते हैं कि साइफन के अंदर आते ही साइफनिक या फिर ब्रैंकियल टेंटिकल्स उपस्थित रहते हैं. टेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन साइड. ठीक है, और वहां पे हम जैसे ही बात करेंगे मुख के अंदर जाते ही क्या उपस्थित रहता है, व्हील. नहीं, यहां पर हम देते हैं टेंटिकल्स आर नॉट इन साइड. ठीक है, अंदर की तरफ प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट हम बात करेंगे या साइफोनिक ब्रैंकियल टेंटिकल्स आर एब्सेंट. नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर व्हील ऑर्गन्स जो हैं एब्सेंट होते हैं. ठीक है, अनुपस्थित होते हैं. वहीं हम यहां पर बात करेंगे व्हील ऑर्गन्स जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, आर प्रेजेंट. ऑलराइट, ऐसे ही सेम यहां पर आगे जाएंगे तो व्हीलम इज एब्सेंट. ठीक है, वीलम जैसी संरचना भी एब्सेंट रहती है. वहीं यहां पर बात करते हैं तो वीलम एंड वीलर टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, राइट. देख लेते हैं एक बार. यहां पर हर मान्य में टेंटिकल्स आउटसाइड प्रेजेंट नहीं रहते. यहां पर ओरल सिराए में टेंटिकल्स ओरल सिराए के रूप में ओरल हुड पे उपस्थित रहते, मुख छत पर उपस्थित रहते. माउथ जो है, मुख जो है वो कवर्ड रहता है लिप्स से, वहां लिप्स कवर्डिंग नहीं होती, ओष्ठ अनुपस्थित. साइफोनिक टेंटिकल्स अंदर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं, टेंटिकल्स आर नॉट इनसाइड, राइट, अंदर की तरफ उपस्थित नहीं. व्हील ऑर्गन्स जो है वो एब्सेंट रहते हैं, वहां पे व्हील ऑर्गन्स जस्ट नीचे की तरफ मुख
से अटैच होते अंदर की तरफ जब जाते हैं तो व्हील ऑर्गन्स उपस्थित रहते हैं जो कि क्या करते हैं, भोजन को आगे की तरफ भेजते हैं। और ऐसे वीलम एब्सेंट होता है वहां पर वीलम एंड वीलम टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि घूर्णन करते हैं, मूवमेंट करते हैं और सीव की तरह, छलनी की तरह आगे करके भोजन को आगे भेजते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर ये वाली संरचनाएं उपस्थित रहती है। तो ये हम पूरा माउथ पार्ट का डिस्कशन कर रहे थे कि माउथ पार्ट किस प्रकार से यहाँ पर इनमें उपस्थित है, वर्डमानिया में और ब्रैंकियो स्टोमा डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये हमने बात की थी माउथ पार्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम फूड फीडिंग एंड माउथ, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे थर्ड पॉइंट में कि इसके आगे एलिमेंट्री के नाम में किस तरह से संरचनाएं उपस्थित रहती है, राइट।